फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं जोधपुर के एक बहुत ही चर्चित स्थल जसवंतथड़ा। और आज हम ये जसवंतथड़ा घूमेंगे और जसवंतथड़ा घूमने के साथ में इसकी जो पूरी हिस्ट्री है इसकी भी, और यहाँ से हम टिकट लेंगे। ये जो देसी पर्यटक हैं उनके लिए 30 रुपये और जो विदेशी पर्यटक जो होते हैं उनके लिए 50 रुपये यहाँ का शुल्क रखा गया है। और यहाँ से हम अंदर की तरफ एंटर हुए हैं। एंटर होने के बाद में हम देख रहे हैं छोटी सी कि ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और उसके बाद में इधर एक छोटी सी देखिए लाल कलर के जो पत्थर हैं, लाल रंग के जो पत्थर हैं, बलुआ पत्थर हैं, और इनसे काफी इतना खूबसूरत दिखने वाला एक जो महल बना रखा है, महल नहीं बेसिकली एक ये स्मारक है, छतरी की तौर पर है उनका जो यहाँ पर दाह संस्कार। जब 1638 में गज सिंह की मृत्यु हो गई तब शाहजहां ने जसवंत सिंह को आगरा बुला लिया और वहीं पर उसका जसवंत सिंह का राज्याभिषेक करके राजा होने की घोषणा कर दी कि आज से जोधपुर का राजा जसवंत सिंह होगा, ऐसी घोषणा कर दी गई। और जसवंत सिंह ने आजीवन मुगलों की जो गुलामी रही उनकी, और शाहजहां ने कभी जसवंत सिंह को कंधार भेजा, कभी ईरान भेजा, कभी जमरूद भेजा, कभी दरमत के युद्ध में भेजा, और कभी मराठों से लड़ने के लिए दक्षिण में भेजा। और इस तरह से आजीवन ये जो है जसवंत सिंह शाहजहां के लिए लड़ता रहा, शाहजहां के अधीन रहा और शाहजहां के लिए अनेक जगहों पर वो युद्ध करता रहा। जब शाहजहां बीमार हुआ और उस समय उसके 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुजा और मुराद। जो शाहजहां था वो दारा शिकोह को अगला बादशाह बनाना चाहता था, हिंदुस्तान का अगला जो मुगल बादशाह है वो दारा शिकोह को बनाना चाहता था, लेकिन इस बात पर इन चारों भाइयों में जो है युद्ध शुरू हो गया अगला बादशाह यहाँ का बनने के लिए, हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुजा और मुराद, ये चारों आपस में लड़ने लगे। और उस समय पर औरंगजेब जो था दक्षिण भारत में भेजा हुआ था शाहजहां ने, तो वहाँ से लूटा, और वहाँ से लौट कर ये जवाब सुनकर हरमन सिंह ने अपना जो डिसीजन बदला और फिर भारत के साथ मिले पर हस्ताक्षर किए, और ये इतिहास रहा। और एक तरफ जब ये है राजस्थान का ताजमहल। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।